धनिए की चटनी वाले आलू कानपुर की एक फेमस चाट है। अगर आप कानपुर में कहीं भी जाएंगे तो आपको हर चाट के ठेले पर ये धनिए की चटनी वाले आलू खाने के लिए मिल जाएंगे। यह आलू की चाट खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरठ किचन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं धनिए की चटनी वाले आलू। इसके लिए सबसे पहले हमें चटनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर धनिया ले लिया है और उसे डंठल से तोड़कर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। फिर हम इसको 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और रफली चॉप कर लेंगे। साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी आलू की। हमने यहाँ पर छोटे वाले आलू लिए हैं जिसे हमने बॉयल कर लिया है, और साथ ही हमने लिए हैं 3-4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून अमचूर पाउडर, 1 स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 स्पून काला नमक और 1 स्पून सफ़ेद नमक। उसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इस धनिए को डाल देंगे। सारे धनिए को इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक का हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसे काट लिया है, और साथ ही फिर हरी मिर्च को लेंगे और उसे भी 2 टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर और जीरा। भुना जीरा पाउडर हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम इसमें नींबू का रस निकाल लेंगे और उसको डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि चटनी अच्छे से पिस जाएगी। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे, और हमने चटनी को पीस लिया। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम आलू लेंगे और उसके ऊपर इस चटनी को डाल देंगे। अगर आपके पास छोटे वाले आलू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बड़े आलू लें और उसको छोटे पीसेस में काट लें। और इस चटनी को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे कि सारे आलू के ऊपर ये चटनी अच्छे से लिपट जाएगी। और फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे भुना जीरा पाउडर। अगर आपको नमक और नींबू का रस कम लगता है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। हमारी धनिए वाली आलू की चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे बनाएं और फिर आप इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही चाट के रूप में भी खा सकते हैं। आप इसे ट्राई करें और फिर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।